सो गाइस, इंडियन कबड्डी फैंस के लिए काफी अच्छी अपडेट निकल के आई है, बिकॉज यहाँ पे AKFI ने 43 प्लेयर्स की लिस्ट अनाउंस की है, जो यहाँ पे एशियन गेम 2022 शुरू होने से पहले जो कैंप में ज्वाइन हो गए वो प्लेयर्स लिस्ट अनाउंस हो चुका है। कौन कौन से प्लेयर्स इस लिस्ट में है, पूरा लिस्ट बताने वाला, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ना ही सिर्फ एशियन गेम, अपकमिंग जो भी टूर्नामेंट्स होते हैं उसके मतलब कि प्लेयर्स के नाम अनाउंस हुए, जो यहाँ पे नेशनल कोचिंग कैंप होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड कब से ये होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कौन कौन से प्लेयर्स का नाम इस लिस्ट में, मैं आपको बता देता हूँ। अब स्टेट वाइज बताने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते बिहार से। तो बिहार से टोटल 2 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे मनीष एंड नवीन है। अब दोस्तों बात करते चंडीगढ़ से, तो चंडीगढ़ से भी 2 प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे साहिल एंड विजय है। एंड बात की जाए गोवा की, तो गोवा से भी 2 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे जगदीप एंड नितेश कुमार है। अब बात करते हैं हरियाणा की, तो गाइस यहाँ पे हरियाणा से टोटल 6 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे अमित हुड्डा, मीटू, मोहित गोयत, प्रदीप एंड आखिरी प्लेयर है जयदीप। अब यहाँ पे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से भी 2 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे बलदेव सिंह एंड विशाल भारद्वाज है। अब बात करते हैं कर्नाटका की, तो वैसे यहाँ पे कर्नाटका से 1 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे पवन टीआर है। केरला से भी 1 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे सागर बी कृष्णा है। मध्य प्रदेश से भी 1 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे भवानी राजपूत है। एंड अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे महाराष्ट्र से टोटल 6 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे असलम इनामदार, क्रिस एन्नाक, मयूर कदम, पंकज मोहिते, शुभम एंड सिद्धार्थ देसाई है। अब बात करते हैं पंजाब की, तो ऐसे पंजाब से भी 1 ही प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे मनिंदर सिंह है। अब बात करते हैं रेलवे से, तो गाइस यहाँ पे रेलवे से टोटल 5 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे परवेश है, पवन कुमार, रविंदर पहल, सुनील कुमार एंड विकास सिंह है। अब बात करते हैं राजस्थान से, तो यहाँ पे राजस्थान से टोटल 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे दीपक हुड्डा, राजेश गुर्जर एंड सचिन है। अब बात करते हैं सर्विसेज से, तो यहाँ पे सर्विसेज से टोटल 5 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे अर्जुन देसवाल, महेंद्र सिंह, नवीन कुमार, संदीप एंड सुरजीत है। अब बात करते हैं SSCB से, तो यहाँ पे SSCB से 1 ही प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे मनजीत दहिया है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के, तो गाइस यहाँ पे तमिलनाडु से भी 1 ही प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे अभिषेक मनोकरण है। एंड तेलंगाना से भी 1 ही प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे गल्ला राजू है। एंड UP से टोटल 3 प्लेयर सिलेक्ट हुए, जो यहाँ पे अभिषेक सिंह, नितिन तोमर एंड राहुल चौधरी है। एंड लास्ट में विदर्भ से 1 ही प्लेयर सिलेक्ट हुए है, जो यहाँ पे आकाश पिकल मुंदे है। तो ये टोटल 43 प्लेयर्स लिस्ट है, जो यहाँ पे अपकमिंग इंडियन कबड्डी टीम के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए कैंप के लिए यहाँ पे लिस्ट अनाउंस हुआ है, जो यहाँ पे 11 अप्रैल से लेके 1 मई तक होने वाला है। यानी कि जो कैंप होगा इनमें 43 प्लेयर्स आने वाले हैं, जो यहाँ पे IG स्टेडियम दिल्ली में ये कैंप होगा। अब इन 43 प्लेयर्स में से 12 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस होगा, जो यहाँ पे एशियन गेम 2022 के लिए रहने वाली है। एंड कोचेस की लिस्ट भी अनाउंस हुए, प्रोबेबल जो 3 में से 1 सिलेक्ट हो गए, जो पहले वो यहाँ पे अशांत कुमार है, दूसरे KK हुड्डा है एंड तीसरा कैप्टन भास्करन ई है। अब इनमें से कौन सिलेक्ट हो सकता है आप कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड कौन से इनमें से 12 प्लेयर सिलेक्ट हो गए एशियन गेम 2022 के लिए, उस पर भी बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैक्सवर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।